प्रदेश में सर्वाधिक बालाघाट जिले के 23,867 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया, जिसमें लगता है कुछ गृह प्रवेश बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों को पक्का मकान दिलाने के तहत में प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में किए गए पीएम आवास निर्माण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्लिक कर सभी हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। लेकिन वहीं बालाघाट जिले के जनपद पंचायत खरलांज के ग्राम पंचायत सावरी में गृह प्रवेश ही नहीं कराया गया, और जिसको लेकर मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है मानो सावरी के सचिव और सरपंच के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी सावरी पहुंचकर ही पीएम आवास का घर 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 प्रवेश कराएंगे, तभी तो पीएम आवास हितग्राही पंचायत में पहुंचकर, लेकिन पंचायत पर ताला जड़ा हुआ है। तो वहीं गृह प्रवेश के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के साथ अब पंचायत के सामने धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि गत दिवस कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा आदेश किया गया था कि जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 मार्च 2021 के बाद बने नए आवास में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम के जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सचिव एवं अन्य शासकीय सेवक भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत सावरी के सचिव जयप्रकाश कात्रे व सरपंच ने तो कलेक्टर के साथ साथ पीएम व सीएम के कार्यक्रम का ही विरोध कर दिया। मानो लगता है पंचायत में ताला जड़कर विरोध कर रहे हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा आदेशित किया गया था कि ग्राम पंचायत में कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से किया जाएगा और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को भी मनोनीत किया गया था, लेकिन जब मुख्य अतिथि राकेश बनोटे पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सावरी गृह प्रवेश कार्यक्रम में सुबह 9 बजे पहुंचे तो ग्राम पंचायत परिसर में ताला लगा हुआ था। उसके पश्चात 1 बजे तक वह रहा देखते रहे कि कोई पंचायत के प्रतिनिधि पंचायत पहुंचेंगे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा तो मुख्य अतिथि व ग्रामीण पंचायत प्रांगण में ही दरी बिछाकर धरना पर बैठ गए और पंचायत पर गंभीर आरोप भी लग रहा है कि पंचायत में पीएम आवास का निर्माण हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो घोटाला हुआ है। तभी तो दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि घोटाला से बचने के कारण पंचायत के सचिव व सरपंच के द्वारा प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए पंचायत पे ताला जड़ गया है। अब ऐसा लगता है कि सावरी में नवनिर्मित पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के घर घर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री व माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी पहुंचकर गृह प्रवेश कराएंगे। लापरवाह सचिव जयप्रकाश कात्रे व सरपंच पर प्रधानमंत्री की योजनाओं की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे कर्मचारी व प्रतिनिधि पर तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो हितग्राहियों के विश्वास के साथ साथ खिलवाड़ किया गया है और गृह प्रवेश कार्यक्रम की धज्जी उड़ाई गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम था और इस गृह प्रवेश में पूरे प्रदेश में जितने भी प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं उनके हितग्राहियों को आज गृह प्रवेश करवाना था। इसी के तहत आज खैलांजी क्षेत्र की जनपद पंचायत खैलांजी के अंतर्गत ग्राम सावरी में भी गृह प्रवेश कार्यक्रम रखा गया था। इसके मुख्य अतिथि के रूप में मैं राकेश बनोटे था यहाँ पर निर्धारित किया गया था। तो आज लेकिन जब मैं अपने निर्धारित समय पर 11 बजे यहाँ पर उपस्थित हुआ तो यहाँ पर पंचायत में ताला बंद था, लेकिन जब 1 बजे तक मैंने इंतज़ार किया और 1 बजे तक यहाँ पे कोई सचिव नहीं आए और यहाँ पर ताला ही बंद रहा, तो आज
जो प्रधानमंत्री की योजना है उसकी पलीता लगाने के लिए सचिव जयप्रकाश कात्रे द्वारा यह कदम उठाया गया। इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री आवास के लिए यहाँ पर जयप्रकाश कात्रे की शिकायत जनपद पंचायत और जिला सीओ में दी जा चुकी है हितग्राहियों द्वारा कि ये 10,000 रुपये हितग्राहियों से मांग करता है, लेकिन जनपद सीओ और जिला पंचायत सीओ के संरक्षण में ये पंचायत सचिव जयप्रकाश कात्रे पल रहे हैं, इसलिए निर्भीक होकर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।